This is a crash course of your first chapter, that is nouns. We have studied the chapters earlier also, and now this is just a revision. Okay, crash course को एक revision के रूप में इस chapter को यहाँ पे present किया गया है. You have to just go through the chapter. जिन बच्चों ने नहीं समझा है उसे इस कोर्स को देखकर वो पूरा टॉपिक समझ सकते हैं. ओके, सो नाउंस वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो. नाउंस, सो आपने पढ़ा है नाउंस. व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इवन एन आइडिया और क्वालिटीज. सो नाउन इज अ वर्ड. नाउन वो उस वर्ड को कहते हैं जो नेम करता है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया और क्वालिटी को वो बताता है. ओके, और नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स, पीपल, प्लेसेस, animals and even an idea or quality. Okay, we also say that nouns are naming words. Nouns ko hum log naming words bhi kehte hain. Naming words of what? For things, people, places, animals and even an idea or quality. Okay, so persons, when we talk about person, jab hum person ki baat karte hain, girl, woman, doctor, teacher comes under this. When we talk about place, Delhi, beach, Chandigarh comes under places. Okay, when we talk about animals, cat, lion, fish, elephant, ye sab animals mein aa jate hain. When we talk about thing, book, pen, ball, pizza comes in things. Okay, idea and quality. When we talk about idea and quality, happiness and love. Okay, happiness or love इसके अंडर में आते हैं. वॉट इज आइडिया एंड क्वालिटी? आइडियाज विच वी कैन नॉट टच बट फील. ओके, आइडियाज और क्वालिटीज जो होते हैं उसको हम लोग टच नहीं कर सकते बट वी कैन फील. ओके, हैप्पीनेस और लव को तो हम लोग टच नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट फील इट. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ नाउन्स. देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन्स: कॉमन नाउन्स, proper nouns, abstract nouns, collective nouns, concrete nouns. Okay, now we will go one by one. Study one by one. First one is common noun. Okay, hum logo ne padha hai common nouns. A common noun denotes a person, place, thing, animal and profession in general. Jab hum general mein baat karte hain kisi bhi cheez ke bare mein, a person ho, place ho, थिंग हो या एनिमल हो या फिर किसी प्रोफेशन के बारे में बात हो रहा है, जब हम जनरल में बात करते हैं तो वो कॉमन नाउंस में आ जाता है. ठीक, ओके, एग्जांपल पीपल. पीपल की जब बात करते हैं तो डॉक्टर, टीचर, गर्ल. व्हेन वी से डॉक्टर, डॉक्टर की जब हम बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर टीचर या डॉक्टर के बारे में बात नहीं करें, ये हम जनरल में बात कर रहे हैं. ओके दोस्तों, दिस कम्स इन कॉमन नाउंस. व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेस, मॉल, मार्केट, स्कूल, लाइब्रेरी, दिज ऑल थिंग्स आर इन जनरल. इन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल. सुपर मार्केट हो या मॉल, मॉल जाना है तो कौन से मॉल में जाना है वो नेम नहीं बताया गया, इट जस्ट अ जनरल. इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल, लायन, रैट, टाइगर और वॉट एवर. ओके, तो ये सब कॉमन में आता है, इन जनरल में आता है. थिंग्स, व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, कंप्यूटर, स्पून, स्क्रू. ओके, दिस ऑल थिंग्स कम इन जनरल, ये सब जनरल में आता है. नाउ सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. चिल्ड्रन, जब हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं या फिर पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं.
ओके, वी स्पेशलाइज करते हैं, हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि उस पर्सन के बारे में बात करें या प्लेस या थिंग के बारे में बात करें. ओके, इट इंक्लूड्स नेम्स ऑफ पीपल, टाइटल्स, बिल्डिंग्स, प्लेस, इवेंट्स, मंथ, डेज ऑफ अ वीक. ओके, ये सब प्रॉपर नाउन के अंडर में आता है. एग्जाम्पल, कपिल देव, राधा, माउंट एवरेस्ट. ओके, दिस ऑल कम्स इन प्रॉपर नाउन. दिल्ली, बाइबल, संडे, ताजमहल, दिस ऑल कम्स इन प्रॉपर नाउन. नाउ वी कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी, एन एक्शन, एन आइडिया, फीलिंग और अ स्टेट ऑफ बीइंग. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट करता है, किस चीज को डिनोट करता है? क्वालिटी के बारे में वो बताता है, एन एक्शन के बारे में बताता है, आइडिया के बारे में बताता है, फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग. अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं हैप्पी हूँ, अभी मैं नाराज हूँ, अभी मैं गुस्सा में हूँ, दिस ऑल थिंग्स इट शोज. ओके, ये सब बताता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, सो एग्जाम्पल इज ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, इंटेलिजेंस, लव, टैलेंट एंड करेज, दिस ऑल थिंग्स कम इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी कैन फॉर्म एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाई एडिंग सफिक्स सच एज नेस, एज, मेंट, टीएच एंड शन. ओके, सो ये सब को हम लोग सफिक्सेस हैं जिसको ऐड करके हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं. काइंड, काइंडनेस, शॉर्ट, शॉर्टेज, ग्रो, ग्रोथ. नाउ वी कम टू कलेक्टिव नाउन्स. सो कलेक्टिव नाउन्स डिनोट्स क्या? कलेक्टिव नाउन बोलकर ही हम लोग को समझ में आ रहा है, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन. सो कलेक्टिव नाउन डिनोट्स कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज अ होल. ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, जो कि हम होल एक ग्रुप को, समूह को लेते हैं. ओके, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. जब हम किसी एक समूह के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन्स करते हैं. एग्जाम्पल, पीपल, क्राउड, टीम, ग्रुप, क्लास, एनिमल्स. ठीक है, पीपल, क्राउड, टीम, ग्रुप्स एंड क्लास. पीपल के लिए हम लोग क्राउड, टीम और ग्रुप और क्लास यूज करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स, हर्ड, फ्लॉक एंड आर्मी एटसेट्रा वी यूज फॉर एनिमल. नाउ कंक्रीट नाउन्स, कॉमन नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ एनी थिंग और पर्सन, और सॉरी, और एनी पर्सन दैट कैन बी सीन और फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस. कॉमन नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ एनी थिंग. ओके, कॉमन नाउन्स जो किसी भी नेम्स है किसी भी थिंग का, और एनी पर्सन दैट कैन बी सीन और फेल्ट. ओके, जो कि हम लोग देख सकते हैं और फील कर सकते हैं बाय एनी ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. फाइव सेंस ऑर्गन्स आर देयर, वी कैन सी और फील. ओके, फॉर एग्जाम्पल, लायंस, वी कैन सी लायंस, बुक्स, थिएटर, पार्क एटसेट्रा. These all things we can see or and we can see this any by with our any sense of organs. Eye is also a sense organs. Okay. Now, children, here are some exercises which we have to study. Okay, these exercises are very important. You have to study for your examinations. Okay, write down in your notebook. So first one is choose the correct noun from the brackets and complete each phrase. In bracket it is troop, bunch, choir, board and troop. First one is a choir of singers. Okay, dash is there. Fill up the blanks is here. Here first one is choir of singers, a bunch of bananas, a troop of dancers, a troop of monkeys, a board of directors. Okay. Next. Exercise number 2, underline the correct collective noun in each sentence. First one, Rahul lost his bunch of keys. The mirror was on the chest of drawers. Third one, she climbed the flight of stairs. Fourth, a crowd of people gathered to listen the speech. Next, exercise number 3, form abstract noun from the following adjectives and common nouns. First one, great, greatness. Leader, leadership, kind, kindness, happy, happiness, strong, strength, and mother, motherhood. Okay, children. So we will study till here only. Okay. So here the course, your course lasts. So you write all these answers in your copy. Okay. Thank you.